बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कमर्शियल रेसिपीज़ अब दोबारा से क्यों नहीं देते। मेरा फोकस होता है कि वो रेसिपीज़ जो मैं दे रहा हूँ वो घर पे बन सकें, और यकीन करें इनका जो टेस्ट होता है वो कमर्शियल रेसिपी से बेहतर ही होता है, क्योंकि हम सारी जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बिल्कुल प्योर होती हैं। आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताया जाता है ताकि अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आपको मुश्किल ना आए। कमर्शियल रेसिपीज़ में होता क्या है कि क्वान्टिटी होती है ज़्यादा, जैसे बिरयानी बन रही है तो वो 5-10 किलो की रेसिपी होगी, टिक्के बन रहे हैं तो 4-4, 5-5 किलो की रेसिपी होगी, उसमें फिर मसला आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ आधा किलो किलो की क्वांटिटी हो ताकि हर कोई एंजॉय कर सके। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी। मलाई बोटी बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है इनको बनाते हैं, वही टेस्ट आपको घर पे कैसे मिल सकता है। आपको ग्रिल भी ना जलानी पड़े, सारा कुछ ना करना पड़े, किचन के अंदर जो इक्विपमेंट मौजूद होते हैं उससे आप इसको किस तरह बना सकते हैं। तो रेस्टोरेंट्स के अंदर मलाई रोटी बनाने के लिए जो गोश्त का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है चिकन का, वो होता है थाई। थाई बोलते हैं टांग के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। जैसे ये बोटी देखें तो ये थाई की बोटी है। इसके नीचे जो है इस साइड पर होती है टांग, आगे ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, ऊपर ये थाई होती है। अब इसको अगर देखें तो बर्गर के अंदर भी इसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये हड्डी को निकाल के ये पूरा पीस बर्गर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और मलाई बोटी के अंदर इसको इस्तेमाल करने की वजह भी यही है कि ये बहुत जूसी चिकन का हिस्सा होता है। हमेशा से कोई भी आप बारबेक्यू बना रहे हो या इस तरह की चीज़ जिसको आपने मैरिनेट करना है, उसका एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो इस चिकन को आपने धोना है। धोने के लिए सिरका, नमक बेहतरीन चीज़ें, या फिर आप इसको अच्छी तरह पानी से भी धो लें तो काम चल जाएगा। लेकिन सिरका और नमक से धोने से फ़ायदा ये होता है, ब्लड निकल जाता है, स्मेल भी निकल जाती है, हमारे पास जो एक अच्छा वाइट कलर में चिकन आ जाता है जिसको मैरिनेशन में आसानी होती है, क्योंकि सिरका इसके जो पोर्स हैं उनको खोल देता है। प्रोटीन है, उसको गलाने में मदद करता है कोई भी एसिड, जैसे सिरका है वो एसिड है, तो प्रोटीन के ऊपर आप डालेंगे तो उससे वो गोश्त नरम हो जाएगा, मैरिनेशन अंदर तक एब्जॉर्ब हो सकेगी। सफ़ेद सिरका इसके अंदर तकरीबन डाल लें 1/4 कप, नमक डाल लें थोड़ा सा, और इसको इधर वॉश कर लें। ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर हमने कोई टेस्ट डेवलप नहीं करना होता, इसके अंदर सिर्फ इसको मल के धोना है। 10 मिनट के लिए रख दें, कोई मसला नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं, और इसको धो के इसका पूरा फ्लेवर निकाल देना है, सिरके का भी और नमक का भी। धोने के बाद कुछ इस तरह की शक्ल होगी, देख रहे हैं कैसे सफ़ेद हो गई है, ये ब्लड निकल गया है और थोड़ी सी स्मेल भी निकल गई है इसके अंदर। अब बाकी के अज्जा जाएँगे, बहुत सिंपल रेसिपी है इसकी। कुछ अज्जा जाएँगे उनके लिए, एक तो इसके अंदर हमें स्पाइसीनेस चाहिए, थोड़े से नमक चाहिए, दूसरे नंबर पे मलाई बोटी है तो मलाई वाला टेक्सचर चाहिए कि नरम हो, मुंह के अंदर जाते ही घुल जाए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर अज्जा डाले जाएंगे। सबसे पहले इसको सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर दही है, 1 पाव दही डाल दें, 1 कप डाल लें या 1 पाव डाल लें। दही से इसका पूरा टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा, जैसे ये कुक होगी नरमी आएगी इसके अंदर, सॉफ्टनेस आएगी और मुँह के अंदर जाते ही ये घुल जाएगी। दूसरे नंबर पे इसके अंदर स्पाइसीनेस है तो उसके लिए इधर सब्ज़ मिर्च डाली जाएगी। तकरीबन आपने 2 बड़े टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्च की पेस्ट डालनी है इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर लहसुन डालें, ये टेबलस्पून है एक बड़ा भर के, इधर लहसुन की पेस्ट है ये डाल दें। आप कभी डॉक्टर के पास जाएँ ना तो आप उसे मसले बताते जाते हैं, वो दवाइयाँ लिखता जाता है, इसी तरह रेसिपीज़ के अंदर हैं, जो आपके चिकन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी हिसाब से इन्ग्रीडियंट्स डाले जाएंगे। सबसे पहले इसकी हमने नरमी के लिए, मैंने आपको बताया, दही डाल दी है, स्पाइसीनेस के लिए सब्ज़ मिर्च डाल दी है, क्योंकि इसका कलर नहीं ख़राब करना होता, हमने लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली या काली मिर्च इसलिए नहीं डाली, उन दोनों से कलर निकलता है। फिर इसकी स्मेल होती है, खाते हुए वो नागवार खुशबू ना आए, हमक ना आए, उसके लिए हमने इसके अंदर लहसुन डाल दिया है। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जिसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो जो स्मेल ख़त्म करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसके अंदर खुशबू होती है तो वो कम हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा खुशबुएं चाहिए, खुशबू वाले मसाले आ जाएंगे। फिर ये है धनिया, तकरीबन आप ये टीस्पून है अब मेरे पास, तकरीबन आपने इसके अंदर 2 टीस्पून धनिया के डाल देने हैं, 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल देना है। ये दोनों चीज़ें खुशबू बनाने वाले मसाले हैं। मैं कभी आपको मसालों की ना सारी बताऊंगा कि कौन से मसाले फ्लेवर के लिए होते हैं, कौन से खुशबुओं के लिए होते हैं, और कौन से जो हैं किसी चीज़ के अंदर जो एक गहराई होती है वो लेके आने लगते हैं। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसीनेस और हम डालेंगे एक एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, वाइट पेपर 1 टीस्पून, बाकी सब्ज़ मिर्च भी है इसके अंदर तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और जो सबसे अहम मसाला है नमक, वो हमने अभी तक नहीं डाला। उसके लिए 1 किलो अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो 1 टीस्पून काफ़ी होता है।
मैरिनेशन के अंदर भी काफ़ी होता है, लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं मैरिनेशन में अगर आप ज़्यादा खाते हैं। 1 टीस्पून नमक, और आखिर में आ जाएगी फिर क्रीम जो कि मलाई, ये इसके अंदर आपने डालनी है 100 ml या आधा कप। और यहाँ पे आपकी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। और ये जो मलाई बोटी है ये आप रेस्टोरेंट्स पे भूल जाएंगे, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ऐसे नहीं है कि कोई वीडियो मैंने देखी है वहाँ से उठा के आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, तो ये पूरी रिसर्च होती है पूरी इसके ऊपर। जो ये देखें आप, इसके ऊपर ये सारा जो मिक्सचर है उसको हम मिक्स कर देंगे। दही इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, या मलाई जो है वो इसलिए ज़्यादा डालते हैं ताकि ये इसके अंदर डिप हो जाए। जैसे ये इसके अंदर अब डिप हो चुकी है ना, इस तरह डिप हो जाएगी। इसकी जो मैरिनेशन का टाइम है उसके अंदर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वरना फ्लेवर पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना कि ये स्लो प्रोसेसिंग है, जो हम मीट की इधर गोश्त की स्लो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर आपने जल्दी इसको गलाना हो तो कचरी है उसके अंदर, पपीता पाउडर है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें इसके अंदर डाली हैं ये टेस्ट को भी बरकरार रखेंगी और इसके अंदर ऐसी सॉफ्टनेस लेके आएंगी कि मज़ा आ जाएगा खा के। इसलिए 12 घंटे मैरिनेशन सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा सा 12 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तकरीबन इसको 12 से 14 घंटे गुजर चुके हैं, अब बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। इसका जो मज़ा आएगा अब वो समझ लेंगे, आपको खा के पता चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। अब मैं इधर जो स्क्यूअर्स यूज़ कर रहा हूँ, उसको पकाने का जो तरीका है वो बिल्कुल होम फ्रेंडली है कि घर पे इसको किस तरह पकाया जा सकता है, वरना अंगीठी जलाएं सीखों पे लगाएं तो बाकी सबको पता है कि किस तरह इसको पकाना है। लेकिन जिसने घर पे पकाना है, कोई हाउसवाइफ है या घर पे कोई कुकिंग कर रहा है उसके पास अंगीठी नहीं है, तो वो किस तरह पकाएगा? कोई स्क्यूअर्स ले लें, छोटी सीखें लें इस तरह की, अक्सर ओवंस के साथ आती हैं, इनके ऊपर जो है आपने इसको लगाना है इस तरह। अच्छी तरह लगा के 4 सीखें फ़िलहाल तैयार की हैं, क्योंकि इनको पकाना हमने तवे पे है। अगर आप बारबेक्यू करते हैं, आपके पास अंगीठी है, फिर तो मसला ही कोई नहीं, आपको पता है कि मसाले तक की टेंशन होती है, आगे पता होता है कि यार सीखों पे लगा के इसको पका देना अंगीठी पे। लेकिन जो घर पे पकाना है जिसने, उसके लिए मसला है। तो चूल्हे को भी हम एज ए अंगीठी यूज़ कर सकते हैं। चूल्हे को फुल फ्लेम पर रखें, उसके ऊपर रख दें एक तवा, और उसके ऊपर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट कर लें कि आपकी सीखें उस पर अच्छी तरह आ सकें, तवे को टच ना हो। जैसे मैंने किया है, मैंने क्या किया है कि मैंने 2 सीखें इधर लगाई हैं, इधर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, अब ये सीखें जो है मैं इनके ऊपर इस तरह रख सकता हूँ। ये देखें, इससे क्या होगा कि ये सीखों को हीट भी बराबर मिलेगी और ये अच्छी तरह कुक भी हो जाएंगी। ये देखें, हमारी अंगीठी बन गई है, समझ लें घर पे ही एक अंगीठी बन गई है। इस तरह इनके ऊपर लगा के अब इनको हम पकने देंगे जितनी देर तक ये अच्छी तरह कुक नहीं हो जाती। आग अपनी तेज़ रखें चूल्हे की, क्योंकि तेज़ होगी तो तवा अच्छी तरह गर्म रहेगा, और तवा फुल गर्म होना चाहिए ताकि इनको बराबर हीट मिले। अब ये चिकन पकना शुरू हो गया, इनके ऊपर ये कलर आ रहा है, तो बस आपने क्या करना है, इनकी साइड चेंज करते हुए घुमाते हुए इनको पका लेना है। ये इधर वाली जो सीखें हैं ना, इन पर मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आपकी बोटी घूम जाती है, जैसे ये देखें इस तरह। तो कोशिश करें आप एक टोंग ले लें और इन्हें सीख को घुमाने की बजाय ये बोटियों को घुमाते रहें, ज़्यादा आसान है। और ये सारी जो सीखें हैं, ये बोटियां जो हैं, इनको कुक कर लें। जैसे ये देखें, इसके ऊपर जब अच्छा कलर आ रहा है, अब देखें इनके ऊपर अच्छा कलर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे ऑयल लेके इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश कर दें ताकि ये ड्राई ना हो। ऑयल लगाते रहें, 1 या 2 दफ़ा ऑयल लगाएं टोटल, तो ये आपकी बेहतरीन मलाई बोटी जो है वो तैयार होगी। ये देखें जी किस तरह अब इनके ऊपर कलर जो है वो बेहतर हो रहा है। ये देखें, तो जी ऑलमोस्ट रेडी है ये, बस 1 से 2 मिनट इसको और लगा के इसको नीचे उतारेंगे।
और यकीन करें कि ऐसी बेहतरीन खुशबू आ रही है जैसे किसी बारबेक्यू के करीब से गुजरें तो आपको पता चल जाता है यार यहाँ पे बड़ी अच्छा बारबेक्यू हो रहा है। वही सीन इधर हमारे किचन में हुआ हुआ, ये क्योंकि गर्म होंगी काफ़ी तो ध्यान से इनको उतारें। तो ये बाकी के जो मलाई बोटी के तिक्के हैं हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं और ये तकरीबन इनको कोई 12-14 मिनट लगेंगे, ये भी कुक हो जाएंगे। और ये जो इधर पका के रखे हैं इनको देखें आप, इनका कलर देखें और बेहतरीन जो है ये पके हुए हैं। एक जो है इधर से उतारता हूँ मैं और इसको करते हैं टेस्ट, देखें और ये जो तिक्के हमने इधर पका के रखे हैं इनको देखें, ये देखें बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और जो खुशबू आ रही है वो भी बहुत लेवल की है। तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ, ऐसे है कि मुंह के अंदर जिस तरह बस आपने थोड़ा सा चबाया और घुल गया। इसको ज़रूर, मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिए। तवे के ऊपर बड़ी आसानी से बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी आपको और फेल प्रूफ रेसिपी है। जो मसाले मैंने बताए हैं आपको बिल्कुल कमर्शियल टेस्ट मिलेगा, एक दफ़ा ज़रूर बना के चेक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।